हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक अलग तरीके की वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं डलगाना और डेलगोना, वट एवर यू कॉल वो वाली कॉफ़ी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ गई हूँ बर्तन बर्तन लेके कॉफ़ी बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं टैनी जो है वो मेरे को बहुत परेशान कर रही है। आज ये ब्लॉग की महारानी आ चुकी थी। तो मैं जो कॉफ़ी है वो इससे बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल हैंड ग्राइंडर भी ले सकते हैं, उससे भी बन जाएगी। जैसे ये वाले में ऐसे कर प्लास्टिक का है, ऐसे कैसे करें। तो मैं यार नेस्कैफे क्लासिक की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी को बनाने में हाथ ज़रूर दर्द होंगे, लेकिन कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और अभी तो इस कॉफ़ी को बनाते बनाते 10 मिनट हो गए हैं। और ये कुछ इस तरीके की है, इसकी हमें हार्ड जो होती है ना, एकदम हार्ड पीक्स जो होती है, सॉफ्ट पीक्स नहीं बनानी, हार्ड पीक्स बनानी है। तो उसको बनाते बनाते मेरा दम निकल जाएगा, मेरा हाथ दर्द हो जाएगा, क्योंकि इसको गोल गोल बनाया है यार ये डलगाना कॉफ़ी। भैया इसको बनाते बनाते तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसको ऐसे ऐसे करते करते आप पूरी रात भी निकाल दोगे, ये तो भी नहीं बनेगी। अभी मैं इसको बनाते बनाते कंटिन्यू करती हूँ और फिर बताती हूँ कैसी होगी। तो गाइस, 2 साल इसको विस्क करने के बाद ये कॉफ़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को स्पून से उठा के दिखाती हूँ। 200 साल बाद हमारी डलगाना कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ये कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत दर्द करने वाले हैं ये कॉफ़ी बनाने के बाद, क्योंकि ये 200 साल में तो बनेगी, उसके बाद आप पियेंगे तो आपको थकान ज़रूर होगी। तो ये डलगाना जो कॉफ़ी है ये रेडी हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब पीने में पता चलेगा कि कैसी लग रही है। तो अगर आप लोगों को मेरे ये डलगाना कॉफ़ी का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय।